गाइस व्हाट्सअप, होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल। एक नए फ्रेश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है, टाइटल थंबनेल ट्रेलर देख के आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि आज हम लोग जा रहे हैं बोको पार्वती टेम्पल, जो कि बहुत ही खतरनाक एवं सुंदर जगह है। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं हमें कामाख्या टेम्पल के पास। तो आज का राइड कामाख्या माँ का नाम लेके स्टार्ट करते हैं और हम लोग अच्छे से घर पहुँच जाए, यही कामना करते हैं। तो चलो चलते हैं, और यहाँ का ज़्यादा नहीं रहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम है। तो चलो डायरेक्ट हाईवे में होंगे मुलाकात। तो एक बार कामाख्या माता की जय। तो चलो करते हैं सीधा हाईवे में मुलाकात। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अभी चालुकबारी, और यहाँ से जो है ना गाइस, हमें थोड़ा सा ये रास्ता पार करके हमें गूगल मैप्स का सहायता लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर से मेरे को भी इतना रास्ता नहीं मालूम। घर से देखा था पार्वती टेम्पल कितना दूर है, तो 69 किलोमीटर दिखाया। तो यहाँ से देखना पड़ेगा थोड़ा मैप ऑन करके। तो यहाँ पर कहीं रुकते हैं, फिर मैप ऑन करते हैं, देखते हैं और चलते हैं। क्या बोलते हो? टाइम में साइड में रुक जाता है। ब्रिज जो है ना गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है, और यहाँ से है नेशनल हाईवे। ओके गाइस, तो अभी मैप देख देख के बस हाईवे का लाइन पकड़ लेते हैं, तो बोको तक तो हम लोग जा पाएंगे एक ही लाइन में, कहीं और नहीं जाना है। तो पहले हाईवे पकड़ लेते हैं। ओके, ऊपर देखिए ना गाइस, काफ़ी सुंदर है, और यहाँ से आप लोग बहुत दूर दूर की गाड़ियाँ मिल जाएंगी। नौलबारी और बेटा बहुत है, नाम बोलेंगे तो टाइम पार हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ में ना गए मेला कैसा लगा रहा था, मेला बोले तो मेला पूरा। और ये यूनिवर्सिटी अपना गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। देखा है आप लोगों ने, पूरा क्लोज कॉल होते होते बचा। मैं देख रहा था कैमरा की तरफ और अचानक वो भी रास्ता पार हो गया, गलती दोनों का। ठोकता तो वो सीधा ऊपर जाता। ओके, तो ये वाला गाइस जो मैं हेलमेट लगाया ना, बहुत ऊपर हो गया, तो उसके लिए मेरे को देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हेलमेट भी मुझे चेंज करना है। और यहाँ में तो हाईवे में ग्लैमर का स्पीड देखे गाइस, अभी वो भी 100 के ऊपर खींच जाएगा। पाल रहा है बस, मैं ही नहीं पालूंगा, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। स्लो जाते हैं, थोड़ा लेट करके मजा लेंगे। और ये है, तो ये तो पूरा यूनिवर्सिटी है, अपना गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है। और मैंने जो एक शॉर्ट फिल्म किया था गाइस, द चाइल्ड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। तो इस फिल्म में मुझे यहाँ से ही अवार्ड मिला था। यहाँ में एक मंदिर है, ये ऊपर की तरफ लंकेश्वर मंदिर नाम है, धारापुर में है, और इसको एक दिन एक्सप्लोर करने आएंगे। बहुत मज़ेदार मंदिर है, फ़ोटोज़ में मैंने बहुत देखा है। तो आएंगे कभी जब मैंने बन जाए या मौका मिल जाए, खाली घूमने से नहीं होगा, ये भी तो चाहिए गाइस। तो थोड़ा भगाते हैं गाड़ी को, कितना जाता है एंट्रोक देखते हैं। ঘরে ঘরে আজিকালি বলে এনে বজ্জাত, মা কর মরম আর বাপে কর পয়সার, বলে কি খবর
ঘরে ঘরে আজিকালি বলে এনে বৈজাত মা কর মরম আৰু বাপেকৰ পয়সাত ঘৰৰে খাই কৰে ঘৰতে লুটপাট ৰাতিপুৱা হুই উঠি হাত দিয়ে গুট খাত মদ ভাং সিগারেট চিলিম জানে চাপৰি বাপেকৰ মাল আছে নালাগে তাক চাকৰি বোলে কি খবৰ এই বোলো হৰি হৰি বোলো হৰি হৰি গান কি হেৰি হেৰি ভিতৰ পথ নিজে ধৰি চেগে পেৰি পেৰি সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাৰ মহামাৰী গায়ক নহয় তুমি গানৰ বলাৎকাৰী মূৰত চুলি ৰঙা নীলা চোলা পিনে ঠিক ঠাক গান যিহে শুনিলে মোৰ দেহত পাহে শিকাপ গান গাব পাতে থ ৰাস্তাত টপিক মাত তোৰ ফুকতীয়া লিৰিক শুনি ফুকু কৰে ধীপ ধাপ ভাল গান গালে তোৰো চবেই গাব গুণগান হেৰি হেৰি কৰিলে তোক প্ৰীতিত দিব ধুমধাম বিহুৰ মাজত ৰেপ দিব কথা কব ছোৱালী টিকাত তোকো পেট দিব পানী থব গোহালিত ओ गाइस देखिए दीपा और बिल का नज़ारा क्या मज़ेदार लग रहा है। दूर दूर तक चिड़िया उड़ रहा है, पूरा मज़ा आ गया देख के। वाओ ब्यूटीफुल, एक अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ से गाइस, बोलो ही मत, बहुत काफ़ी शानदार लग रहा है। और ये सब तो पूरा घास है, उसके नीचे पानी है, पूरा क्या बोलते इसको मेटे का। तो अभी निकलते हैं हम लोग भी अपना, और एंड्रॉक तो बहुत काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है, 94 उठ गया और तो अभी चलाया ही नहीं था, थोड़ा टाइम में 94 उठ गया, यानी कि 40 सेकेंड लगा 94 उठने में। क्लिप देखा ही होगा आप लोगों ने। तो इधर से अभी निकलते हैं, और GoPro में जो है ना मेरा 4GB मोड लगा हुआ है, उसके लिए ज़्यादा टाइम बातें नहीं करते, सीधा आप लोगों को डेस्टिनेशन लेके जाते हैं। बीच बीच में कुछ होगा तो दिखाते हैं, और सीधा डेस्टिनेशन होगा। देखो पूरा चाप के लगे गया, आपका रास्ता है, चलो निकलते हैं। तो गाइस आज दो दो हेलमेट पहन के आए, एक ये और एक यहाँ में लगा, मज़ा आएगा आज का राइड में। तो आज ऐसा एक जगह दिखाने वाला है जो बहुत सारे ब्लॉग में देखा था, अनकट ब्लॉग्स में देखा था, SBN ब्लॉग्स में देखा था, बहुत सारे, और बहुत मैंने कम से कम 20 या 30 चैनल में वो जगह को देखा था। तो आज कुछ से जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने, मज़ा आएगा पूरा। तो पूरा ब्लॉग देख के जाना, और अच्छा लगे तो जानते ही लाइक कर देना। तो चलो अभी चलते हैं। तो गाइस अभी आके पहुँचे एक खतरनाक सा ब्रिज, जिसके नीचे है एक बहुत ही अच्छा परिवेश, बोलो ही मत, बहुत खतरनाक, इस साइड भी खतरनाक, और आगे से है भाई अपना 6 चक्का ट्रक, ब्रिज के ऊपर भी लग चुका है, काफ़ी जाम, यानी कि थोड़ा जाम, और नीचे से गया ट्रेन लाइन, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, पर इसके ऊपर गाड़ी नहीं रोक सकते, रोकना मना है, नहीं तो उधर के दिखाते, कभी आएंगे कोई नहीं रहेगा तब करेंगे कुछ, अगर 15 अगस्त फ्राइडे सब में आए तो कभी करेंगे ज़रूर। तो ये व्यू देखिए ना गाइस, क्या ताबड़तोड़ है, और यहाँ से है जो बोको पार्वती टेम्पल, यहाँ से है 25 किलोमीटर। वाह, तो चलो अभी चलते हैं सीधा पार्वती टेम्पल, कहीं नहीं रुकेंगे, फटाफट से जाएंगे, दिखाएंगे। लाइफ में गाड़ी चलाते समय दो चीज़ों से डर लगता है, एक गिरना और एक है ऐसा स्पीड ब्रेकर। तो गाइस यहाँ से पंचरत्नाई 105 किलोमीटर, और बोको जो हमारा मंजिल है वो है 12 किलोमीटर, और अंदर भी जाना है थोड़ा सा 5 किलोमीटर, और यहाँ में शायद लिखा हुआ है सोईगांव 5 किलोमीटर एंड सोईगांव 582, क्या लिखा हुआ है, सेखोवा घाट। ओके गाइस यहाँ में 2 मिनट रुके थे, और गाड़ी है उस साइड, पटा पच्चे हो जाते पार और निकलते हैं चलो। और यहाँ का जो रास्ता है ना गाइस, बोलो ही मत, पूरा चारों ओर जंगल और साइड पूरा ट्रेन का लाइन है, और बीच से रास्ता गया, बहुत मज़ेदार है। और एंड्रॉक का एंड्रॉक BS6 का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, ये रेस एडिशन नहीं है, और मैं जो कन्हैया भाई का चलाता हूँ वो है रेस एडिशन। वाओ लुक एट दिस गाइस, ब्यूटीफुल। फाइनली हम लोग घुस चुके हैं, बोको जा रहे हैं लेके इधर से थोड़ा आगे आके
पार्वती मंदिर वाला रोड, और रोड में घुसते ही बहुत काफ़ी अच्छा अच्छा है। हमें मतलब एक गाँवलिया जगह है ना, तो सीन अच्छा होगा, लेकिन पहाड़ के ऊपर से जो व्यू है ना उसके लिए आया हूँ। सुबह आने से और अच्छा होता, लेकिन सुबह में गाइस बहुत ठंडा, उसके लिए नहीं आ पाए, तो उसके लिए सुबह आता तो क्लाउडी क्लाउड था। अभी नहीं मालूम, आज तक तो मैं सारे ब्लॉगर का सुबह ही देखा हूँ, और दिन में कैसा सीन आता है तो आप लोगों को मालूम चलेगा, देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग को पूरा देखना, मज़ा आने वाला है, पूरा एक धमाका ब्लॉग होने वाला है। ओके गाइस, तो यहाँ से अगरबत्ती ले लेते हैं और थोड़ा खाने का भी बिस्कुट उस्कुट ले लेते हैं, बहुत भूख लगा है, तो बोला है बिस्कुट पानी ये सब लेके आने अपने हीरा भाई को। तो आज दो हेलमेट आए, एक अभी जो ब्लॉग कर रहा हूँ और एक ये हीरा भाई का। मज़ा आ गया, और थोड़ा ही दूर है यहाँ से, 3 किलोमीटर लेफ्ट, पार्वती पहाड़ बोको। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं पार्वती पहाड़ बोको, और वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो आज का वीडियो यहीं में खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसके अंदर का सीन दिखाते हैं।